काकास कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आपको आपकी पूरी फैमिली के लिए मिलेगा निमाड़ का अपना स्वाद। अंबाड़ी की भाजी, ज्वार की रोटी, दाल बाफले और तमाम स्नैक्स जैसे सैंडविच, चाइनीज और तंदूरी चाय। तो चले आइए हमारे पते पर, इंदौर रोड, खंडवा। छिगांव माखन क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से उद्वहन सिंचाई योजना तो आ गई है, लेकिन ना तो उसका लाभ किसानों को मिल पा रहा है, ना उस क्षेत्र के ग्रामीणों को। इन सभी परेशानियों को लेकर आज बड़ी संख्या में किसान एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और यहां पर आकर अपने परेशानियों को लेकर अधिकारियों से बात की। उनके साथ जनपद पंचायत छिगांव माखन के अध्यक्ष महेंद्र सोनल भी थे। सभी किसान लोग अभी उद्वहन सिंचाई के लिए, खेतों में पानी छोड़ने के लिए, पानी की टेस्टिंग के लिए पाइपों। हाँ भैया, अपना परिचय बताइए और आप लोग किस समस्या को लेकर यहाँ पहुँचे बता दीजिए। मेरा नाम विष्णु यदुवंशी है। हम छिगांव माखन उद्वहन सिंचाई योजना, इसका लाभ किसानों को ना मिल पाने के संबंध में आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं, जिसमें हमारी जो लाइन है सालई जामनिया केसुन गजवाड़ा, इस लाइन में अभी तक पानी पर्याप्त रूप से नहीं पहुँच पा रहा है। जो लाइन है उसमें प्रेशर कम आ रहा है, कई पॉइंटों पर इतनी समस्या है कि पाइप भी उखड़े हुए हैं, पाइप उखड़े हुए हैं। कई जगह उन्होंने किसानों को 10 एकड़ पर भी एक भी पाइप नहीं दिया हुआ है। बताइए आप लोग आज किस समस्या को लेकर के यहाँ पर आए? आज ये छिगांव माखन जनपद पंचायत के ग्राम केसुन से सभी किसान लोग आए हुए हैं। उद्वहन सिंचाई योजना जो इन्होंने चालू की है, तो उसमें इन्होंने ये बोला कि हम रबी में पानी देंगे। तो ठीक है, रबी में पानी दो आप, मत दो खरीफ में पानी। खरीफ में अभी इतनी भीषण समस्या है, कई जगह पीने की समस्या है, कई जानवरों के लिए पीने के पानी की समस्या है, पर इन्होंने तो सोच लिया कि हमको तो रबी में ही पानी देना, तो चलो रबी में पानी दो। लेकिन रबी में पानी पर्याप्त किसानों के खेतों में पहुंच जाए, 2.5 एकड़ में पानी पाइप डालना है, 2.5 एकड़ में पानी के लिए पाइप लगभग मेरे हिसाब से 35,000 हेक्टेयर का इनका लक्ष्य है। इन्होंने 10,000 हेक्टेयर में भी नहीं 2.5 एकड़ में पाइप डाला होगा, सब पाइप पेटी के पास छोड़ दिया है और किसान अपने अपने पाइप लेके जा रहे हैं। दो चार जो किसान बोलता है तो उसको दे देते हैं, बाकी किसानों को नहीं दे रहे हैं ये लोग पाइप। ये अटल सत्य है, जाके जांच करें तो बिल्कुल मालूम पड़ेगा। ये किसान लोग साथ में आए, ये सब बताएंगे काम अपना। दूसरा, इन्होंने बोला कि प्रेशर हम दे रहे हैं, तो ना प्रेशर आ रहा है उसमें, यदि छः पाइप है तो 6 पाइप में से एक ही पाइप चल पा रहा है, 5 पाइप नहीं चल पा रहे हैं। दूसरा कि इन्होंने ये बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि ठीक है हम संगवाड़ा में बहुत लास्ट स्टेज है तो वहाँ प्रेशर में पानी नहीं आ रहा है, तो संगवाड़ा लास्ट स्टेज पे, तो केसुन तो स्टार्टिंग में ही है ना, तो केसुन में तो पानी आना चाहिए। केसुन में एक भी पाइप में प्रेशर से पानी यदि आ गया हो तो ये सब किसान लोग बैठे हुए ये बताते हैं ये लोग, तो न प्रेशर से पानी आ रहा है, न पाइप दिए हुए हैं, न कहीं कहीं पाइप तो ऊपर ही ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है। और इतनी रबी में इन्होंने चालू भी किया, चलो ठीक है रबी में चालू कर दिया, 1,000 जगह तो पाइप उखड़ गए, तो चली कहाँ फिर? ठीक है, ये योजना पूरी तरह से फेल होती जा रही है, इसको जांच करने की अति आवश्यकता है। बिल्कुल।